जब हम अच्छा काम करते हैं तो कोई ना कोई बात और कोई एक आध शब्द मेरे मुंह से आ गया होगा तो उसके चलते मेरी निंदा हो रही है, तो मैं तो भाई माफी मांगता हूँ और जो मेरे निंदा करते हैं उसका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री जी कत्ल करके माफी मांगना, ये आपके फितरत में हो सकता है? आपका उप मुख्यमंत्री जिसका उत्तराधिकारी बनाया उस शख्स ज्ञान की बात कर रहे हैं, दोनों व्यक्ति चारित्रिक रूप से कहीं योग्य नहीं लग रहे हैं जो सदन की और बिहार की गरमा बढ़ाए और बिहार की जनता हमारी माँ बहन का जो आक्रोश है प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है उस आक्रोश से सदन को ही अवगत नहीं कराना, इन दोनों को पद के योग्य नहीं मानते हुए पूरी तरह से इस्तीफा की मांग पर अड़े बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से माफी मांगने वाले बयान पर कहा है कि माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में जनसंख्या के नियंत्रण को लेकर जिस तरीके से उन्होंने जो बातें कह डाली और उसके बाद आज अहले सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन के बाहर और सदन के अंदर माफी मांगा और शर्मिंदा जो है उन्होंने कहा कि मैं इस बात को लेकर शर्मिंदा हूं और साथ ही साथ मैं माफ़ी भी मांगता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर जो है वो मानने को तैयार नहीं है और सीधा कहना है कि इस्तीफा मुख्यमंत्री को देना चाहिए। विजय सिन्हा का वो बयान, आज बिहार के अंदर कल जो घटना घटित माननीय मुख्यमंत्री का सदन में जो वक्तव्य आया है महिलाओं को कहीं ना कहीं लज्जित करने का इनका वक्तव्य है। ये माँ जानकी की शक्ति की भूमि है और हमारी माँ बहनों को इस तरह से सदन के अंदर शर्मसार करना जो पूरा देश देखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं मेमोरी लॉस हो चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं उस पद के योग्य नहीं है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री की याददाश्त कमजोर पड़ गई है, मेंटल तौर पर कहीं ना कहीं बीमार और अस्वस्थ हैं। इनके द्वारा कुछ भ्रष्ट ऑफिसर्स और कुछ भ्रष्ट लोग मिलकर के गलत बिहार के साथ गलत खेल खेला जा रहा है, इसलिए इनका मेडिकल जांच पहले हो और इस्तीफा देना चाहिए। ये सदन में अब बैठने योग्य नहीं रहे हैं, इसलिए हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री जी कत्ल करके माफी मांगना, ये आपके फितरत में हो सकता है। आपका उप मुख्यमंत्री जिसका उत्तराधिकारी बनाया उस शख्स ज्ञान की बात कर रहे हैं, दोनों व्यक्ति चारित्रिक रूप से कहीं योग्य नहीं लग रहे हैं जो सदन की और बिहार की गरमा बढ़ाए और बिहार की जनता हमारी माँ बहन का जो आक्रोश है प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है उस आक्रोश से सदन को ही अवगत नहीं कराना, इन दोनों को पद के योग्य नहीं मानते हुए पूरी तरह से इस्तीफा की मांग पर अड़े हुए हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।